मत्ती रचन सुसमाचार 8 अध्याय का उसके 6 वचन कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का महरा बहुत दुखी पड़ा है। उन दिनों में जो गुलामी रूप में रहे उनका स्थिति बहुत ही खराब था। गुलामियों के लिए कोई वहां अधिकार नहीं है। घोड़ा, भैंस और गधे के जैसे ही उन लोग को रखते थे। गुलाम में जानवर में इतनी फर्क थी, सिर्फ गुलाम बोल सकता था। इसलिए उन दिनों में गुलामों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इस प्रकार के गुलाम को मालिक चाहे कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब उस गुलाम को घात करने से भी कोई वहां पूछने वाला नहीं, उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। ऐसे जो दुखी भरी हुई स्थिति में रहने वाला एक गुलामी के लिए एक मालिक आया है। इस सुबधार को ने रोमियों की सैनिक में बड़ा एक पद में था। 100 सैनिकों के लिए एक सरदार, इसका मतलब इस सरदार का पद जो है उस सैनिकों में ऊंचा पद है। उस सैनिकों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है, इतना बड़ा व्यक्ति था। इसका मतलब एक नौकर के लिए यीशु के पास आया तो नौकर से इतना प्रेम रखता था, इतना दया करने वाला है। ये अपने लिए नहीं, वो नौकर के लिए आया है। यीशु उस नौकर के लिए क्यों अद्भुत काम किया? ये जो गुण है ये मसीह का गुण है। दूसरों के लिए प्रेम दिखाना, दूसरों की कमजोरी में मदद करना मसीह का स्वभाव है। पापियों के लिए क्षमा करना, पापियों को जो है बराबरी प्रेम करना, पापियों को साथ रखना, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। इसी यीशु मसीह का गुण इस व्यक्ति के अंदर था। इसलिए यीशु मसीह इसकी बातों को सुनते हुए उस नौकर को चंगा किया। इसलिए मेरे प्यारों, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आपके कमजोर में मदद करने वाला है। हो सकता है आप बीमार में हैं, आप अकेले हैं, सबने आपको त्याग दिया है, सबने आपको छोड़ दिया होगा, सारे परिस्थितियों में सभी ने छोड़ दिया होगा, यहां तक मां बाप भी आपको त्याग दिए हैं, आपके कलिसिया वाले भी आपको जो है तुच्छ जानते होंगे। लेकिन यीशु मसीह आपकी इस परिस्थिति के लिए, आपकी दुर्दशा के लिए वो दया दिखाने वाला है। यीशु मसीह यहां पर इसलिए चमत्कार किया, यीशु मसीह के समान कमजोरियों को मदद करने वाला का स्वभाव इस आदमी के अंदर था। आज भी आपके जीवन में दया करके अद्भुत काम करने वाला है यीशु। हालेलुया, हालेलुया।